जय श्री सीताराम। आप सबको मेरा प्रणाम। भगवान राम की कथा लेकर के फिर मैं आया हूँ। परम श्रद्धेय राधे माँ को प्रणाम करते हुए हम कथा को आगे बढ़ा रहे हैं। प्यारे श्रोताओं, शंकर जी सती जी के साथ में वापिस हुए हैं अगस्त्य महाराज के यहाँ से। भगवान की कथा सुन करके वापिस हुए हैं। अब हृदय में तड़प जागी है कि के ही विधि दर्शन होए, किस तरह भगवान का दर्शन मिल जाए। संयोग बस उसी समय रावण के द्वारा माता जानकी का हरण हुआ है और भगवान राम रोते हुए सीता मैया का पता लगा रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं, पशु पक्षी से, वृक्षों से पूछ रहे हैं, साथ में लखनलाल जी भी हैं। उनको इस तरह से बिलखते हुए और वन में विचरण करते हुए शंकर जी ने देखा। शंकर जी रो पड़े, कहा, ओहो मेरे प्रभु, ये क्या लीला कर रहे हैं, ये तो रो रहे हैं। हाथ जोड़ा दूर से और शंकर जी ने विचार किया कि चलकर के दंडवत तो कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि इस समय प्रभु लीला में हैं और इस लीला में विघ्न डालना कर्तव्य नहीं बनता है। हम तो दूर से ही प्रणाम करके और इनका दर्शन का आनंद लेंगे। शंकर जी ने कहा, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहि चलो मनोज न सावन। शंकर जी, मनोज न सावन, मनोज यानी कामदेव, कामदेव को भस्म करने वाले भोलेनाथ शंकर जी भगवान को दूर से प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं, लेकिन पलट पलट करके भगवान को बार बार देख रहे हैं। कभी पेड़ों में छुप करके, पेड़ों के पीछे छुप करके देखते हैं। उनको लगता है कि प्रभु के सामने मैं न पहुंच जाऊं। आंखों से अश्रुधारा भी चल रही है। सती जी को संदेह हो गया कि ये क्या कर रहे हैं, हमारे स्वामी देवताओं के देवता हैं, देवाधिदेव महादेव, सारे देवता ऋषि मुनि इनको प्रणाम करते हैं, इनके सामने हाथ जोड़ते हैं, लेकिन आज ये एक सामान्य मनुष्य को सच्चिदानंद कहते हुए प्रणाम कर रहे हैं। ये मन में विचार कर रही हैं सती जी। यद्यपि प्रगट न कहो भवानी, कहा तो नहीं, लेकिन हर अंतर्यामी सब जानी। शंकर जी अंतर्यामी हैं, सब जान गए और कृपालु भी हैं शंकर जी। कृपा करने के लिए सती जी के अंदर जो संदेह आया उसका निवारण करना चाह रहे हैं। शंकर जी ने कहा, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, विमल मन जेहि ध्यावही, कही ने तिन गम पुराण आगम, जासु कीरति गावही। शंकर जी ने सती जी से कहा कि ये वही हैं जिसको हम भी जपते हैं, ब्रह्मा जी भी जपते हैं, शेष सनकादि भी जपते हैं। ये अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं देवी जी। इन्हें आप साधारण मनुष्य न समझिए, ये तो लीला कर रहे हैं, ये तो जगत के मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए आए हैं। अनेक प्रकार से समझाते हैं, लेकिन सती जी को समझ में नहीं आया। सती जी को यही लग रहा है कि अगर ऐसे होते तो क्या इन्हें पता न चल जाता कि इनकी पत्नी कहाँ है, जिनकी आंखों में सारा ब्रह्मांड है, उन्हें इनकी पत्नी दिखाई नहीं दे रही हैं। ये सती जी हैं, ये बुद्धिमान हैं, बुद्धिमती हैं, ये कुशल बहुत हैं, क्योंकि इनके पिताजी दक्ष महाराज हैं। ये दक्ष की पुत्री है ना, और दक्ष का अर्थ है कुशल, अंग्रेजी में एक्सपर्ट कहते हैं, बहुत पारंगत। तो कुशल की पुत्री हैं, इनके अंदर कुशलता है, बुद्धिमत्ता है, ये अपने तर्क से, अपने बुद्धि से सब सोच रही हैं। लेकिन भगवान तर्क का विषय नहीं है प्यारे, भगवान तो श्रद्धा और विश्वास का विषय है। भगवान तो वही है जहाँ विश्वास है। अब ये कथा का अगला भाग हम लोग इस भाग के बाद में सुनेंगे। सारी सुख शांति आनंद और जीवन की सफलता भगवान की कथा सुनने में ही है, इसलिए इस भाग को ही संपन्न करते हुए मैं आप सबको वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। जय श्री सीताराम। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बेल आइकन को भी दबा दें
ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और हाँ, इसे लाइक और शेयर भी जरूर करें।